श्रीमान सत शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे केंद्र सरकार में, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष और हमारे आदरणीय यहाँ के सांसद श्रीमान शमशेर सिंह जी पूर्व अध्यक्ष और हमारे सांसद श्रीमान अशोक खजूरिया जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी, हमारे यहाँ पर मंत्रीगण श्याम चौधरी जी, बाली भगत जी, प्रिया सेठी जी, राजेश जी जो स्थानीय हमारे एमएलए हैं, हमारे हरेंद्र गुप्ता जी जो महामंत्री हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे आदरणीय एमएलए साहिबान हैं, एमएलसीज हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, मेरे सामने बैठे हुए जितने पदाधिकारी और हमारे यहाँ उपस्थित विशाल संख्या में, हमारी महान दिन है। जैसे हमारे साथियों ने यहाँ कहा, आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह जो बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी थे, जिनके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस वक्त की कांग्रेस ने, ऐसे महाराजा ने आज ही के दिन 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट बनी है उसके दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसकी तरफ आज सारी दुनिया देखते हैं, उससे बात कर रहा था कि मैंने कहा इतिहास की जरूर बात की जाए। साथियों, इन सालों में मैं दावे से कह सकता हूं, फिगर एंड फैक्ट के आधार पर मैं अपने विरोधियों को यह कहूंगा, अगर आप पे दम है, अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर एंड फैक्ट है तो डिबेट करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। आप जिस तरीके से आप गुमराह कर रहे हैं, 1947 से लेके जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के देशभक्त के लोगों को, जम्मू के लोगों को आपने गुमराह किया है, और आज हम जो है, हमें लगभग कश्मीर की और उस गुलामी के, जो उस लीडरशिप की गुलामी के बीच में रखा था, आज हमें बता रहे हैं आप। मैं कहना चाहूंगा बाबा राजा हरि सिंह जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, तो उनका पूछा गया कि कल को अगर भारत आजाद हो गया, हमने अपनी सत्ता जो भारत को दे दी, तो आपका क्या होगा, आप जो राजा महाराजा है आपका क्या होगा। उस समय 1931 में महाराजा हरि सिंह ने यह कहा था कि हम अपने लोगों के सेवक बन के उनकी सेवा करेंगे, यह महाराजा हरि सिंह ने कहा, और उसी महाराजा को आपने स्टेट से बदर कर दिया। यह लोग कहते हैं अलगाववादी, दूसरे जन के मेन स्ट्रीम पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये लोग कहते हैं कि महाराजा जो थे वो आजाद रहना चाहते थे। अध्यक्ष ने, सत शर्मा जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये कहते हैं कि नहीं, 15 अगस्त से पहले जो है